होती है। आपके मजमा को नाजायज मजमा घोषित किया जाता है। आप सभी अपने अपने घरों पर लौट जाएं। कानून को हाथ। सासाराम शहर में बीते दिन कुछ मोहल्ले में दो गुटों में हुए हिंसक झड़प मामले में दोनों समुदाय से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि सासाराम में जो दंगे हुए वो सरासर प्रशासन से मिलकर नीतीश कुमार के द्वारा सुनियोजित दंगे थे। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है स्थानीय थाना के अधिकारी और उसके साथ SDO और जिलाधिकारी सब ने मिलकर दंगे करवाए हैं और 144 की बात से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन देखा भी जा रहा है कि माइक लेकर लोगों को 144 धारा लगने के बाद स्थानीय थाना और अधिकारी घूम घूम कर लोगों को बताते फिर रहे हैं। एक तरफ जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से धारा 144 नहीं लगाई गई है। अगर दंगा साजिश थी तो सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सरकार फेल था और इतने रुपया सरकार पर क्यों खर्च हो रही है? पूरा बिहार सरकार सियासी फ्रॉडिज्म से चल रहा है और कलेक्टर तो पूरा सियासी फ्रॉडिज्म का नमूना पेश किया सरकार का। जहां तक बात है, जिस सरकार के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हो, जिस सरकारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल रहे हो और थाना प्रभारी अनाउंस कर रहा हो और ADM साथ में चल रहा हो और कह रहा है कि धारा 144 लागू नहीं है, पूरा दंगा कराया हुआ था, सरकार के प्रायोजित दंगे थे, उसका कारण था कि मुख्यमंत्री जी कुशवाहा समाज से डर गए थे और सम्राट अशोक की जयंती वहां पर जो कार्यक्रम था उनके नाम पर शिलालेख का वो नहीं होने देना चाह रहे थे और मुख्यमंत्री ने पूरा सियासी फ्रॉडिज्म करके और DM तक को फ्रॉडिज्म में घसीट दिया और पूरे सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए दंगा कराया। वहीं रोहतास के DM धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सासाराम शहर में बीते दिन कुछ मोहल्ले में दो गुटों में हुए हिंसक झड़प मामले में दोनों समुदाय से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उपद्रव फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जा रहा है। सासाराम शहर में धारा 144 लागू नहीं हुई है। अफवाह पर ध्यान न दें, माहौल शांतिपूर्ण है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। धारा 144 लगाने के लिए सक्षम अथॉरिटी या तो हम हैं या फिर अनुमंडल अधिकारी हैं। मेरे द्वारा या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अभी तक 144 कहीं भी नहीं लगाई गई है। ऐसी अपुष्ट सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, हम जो है मीडिया के माध्यम से इस बात को भी जो है रखते हैं कि कभी भी 144 नहीं लगाया गया है। एकाध न्यूज मतलब वायरल हम देख रहे हैं, एकाध SI का कुछ मतलब वीडियो आ रहा है कि उसमें उनके द्वारा ये बातें मतलब रखी। बता दें कि रामनवमी जुलूस के बाद दो गुटों में हुए तनाव को देखते हुए DM के निर्देश पर शहर की सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, उच्च व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ सभी निजी विद्यालयों को 4 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी कोचिंग संस्थानों को भी अनिवार्य रूप से इस दौरान बंद रखने को निर्देशित किया गया है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।